हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं पिज्ज़ा बना रही हूँ। बिल्कुल आसान रेसिपी है, देखिएगा कैसे बनाऊंगी। मैं 1 कटोरा मैदा ली हूँ। इस कटोरे से 1 कटोरा मैदा, इसी को इस कटोरे से दही लूँगी, डालूँगी इसमें, पानी भी डालूँगी, दही से ही सानना है। तो देखिएगा, थोड़ा सा नमक डालूँगी, सबसे चीनी डालूंगी इसमें, बस बेकिंग पाउडर डालूंगी। आप चाहे तो खाने में थोड़ा भी डाल सकते हो। देखिएगा, इस तरह से मिलाऊंगी इसको। एक डो तैयार करूंगी, थोड़ा शक्कर डो तैयार करूंगी। तो देखिएगा, इस तरह से 1 कटोरा आटा था, 1 कटोरा दही, सारा लग गया है दही मिलाने में। पानी नहीं डालना आपको बिल्कुल। ऐसे ही इसको और 10 मिनट ऐसे मिलाऊंगी। तुम्हारा फर्श साफ था इसलिए उसको मिला रही हूँ। तो देखिए गाइस, 10 मिनट मसाज की, देखिए कितना चिकना बन गया है डो। इसमें दो दो करूँगी, दो डो बनाऊँगी। देखिए इस तरह से इसको भी ऐसे चिकना करना है आपको। तो देखिए गाइस, इस तरह से बना लेना जैसे रोटी का डो बनाते हो आप। देखिए थोड़ा सॉफ्ट है, इस तरह से बेल लूँगी ऐसे। आप चाहे तो छोटा बड़ा पिज्ज़ा बना सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ अपने हिसाब से। तो देखिएगा, इस तरह से बेल ली हूँ। देखिए इतना मोटा बेल लीजिएगा आप। देखिए चिकना हो गया है, इसमें थोड़ा इससे चाउमीन वाला जो चम्मच होता है ऐसे फॉक कर दूँगी इस पर, इस तरह से, ताकि अंदर तक सीन जाए। देखिएगा, इस तरह से कर ली हूँ सुराख। देखिए अब इसको चार ऐसे करूँगी गड्ढे, हल्का हल्का करूँगी, दबाऊँगी चारों तरफ से, ये देखिए, ताकि जो हम चटनी उटनी डालेंगे वो चटनी इसी में रहे, बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से कर ली हूँ। देखिए ऐसे आपको करना है। तो देखिएगा, इस यहाँ पे पैन ले ली हूँ, आप कोई सा भी तवा ले सकते हो। गैस को ऑन करती हूँ। देखिए गाइस, गरम हो गया है, और इस पर डालूंगी इसको। आप चाहे तो कढ़ाई में ही बना सकते हो स्टेट लगा के, पर मैं तावे पे बना रही हूँ। इसको ढक दूंगी, 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको भी ऐसी बना लूंगी जैसे वो बनाई हूँ रोटी की तरह, इस तरह से बेल लूंगी, ऐसी बना लूंगी। देखिए इसी तरह से, और इसमें ऐसे चम्मच से कर दूंगी पक। ये देखिए पूरा इस तरह से कर दूंगी, हल्का हल्का प्रेस ऐसे इकट्ठा सा गड्ढा कर दूंगी। तो देखिए इसको पलटूंगी, अब पक गया है। ये देखिए पक गया है। इसको हल्का सेकूंगी इधर से भी, कम से कम 10 मिनट सेकूंगी ऐसे ही ढक के। तो मीडियम आंच पे मैं पका ली हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं पकाई हूँ। ये देखिए देखिए कैसा पक गया है। अब इस पर सॉस लगाऊंगी। ठीक है, इसे सॉस लगाऊंगी। अब कोई सा भी सॉस लगा सकते हो। इस तरह से ऐसे चटनी मिला लूंगी पूरे में। देखिए गाइस, प्याज लगाऊंगी इस पर इस तरह से। तो देखिए गाइस, मैं टमाटर भी लगा ली हूँ। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, हरी मिर्च डाली हूँ। देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आप चाहे तो कोई सा भी सब्जी इस पर डाल सकते हो। मुजराला चीज डालूँगी, मुजराला चीज। देखिए मार्केट से मंगाई हूँ, ऑनलाइन आप चाहे तो मंगा सकते हो जियो मार्ट से। तो देखिए इस पर मुजरा चीज डाल दी हूँ, इसको ढक के 10 मिनट पकाऊंगी मीडियम आंच पे। आप चाहे तो पनीर बटर कुछ भी डाल सकते हो इसके ऊपर, और सब्जी कोई सा भी। तो देखिए कैसा बना है पिज्जा, इतना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए अभी गर्म है, ये ठंडा होगा तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा फिर आपको काट के दिखाऊंगी कैसा बना है।
बहुत टेस्टी बना है गाइस। तो देखिए गाइस, इसको भी इस तरह से पकाऊंगी, दूसरे वाले को भी मीडियम पे पकाऊंगी। तो देखिए गाइस, इसको काट के दिखाती हूँ कैसा बना है। तो देखिए गाइस कैसा बना है पिज्जा, देखिए बहुत टेस्टी बनता है गाइस, घर पे ट्राई जरूर करना ये देखिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। बाय गाइस, मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।